पुलिस अब अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाने लगी है। पुलिस को वर्दी का सही इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस कई बार अपनी वर्दी को दागदार करती नजर आती रही है। पुलिस की दबंगाई अब और भी बढ़ने लगी है और एक बार फिर पुलिस ने अपनी दबंगाई का शिकार एक आम आदमी को बनाया। जी हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुर इलाके में सीएनजी पंप में पुलिस वाले की दबंगई का मामला सामने आया है। सीएनजी की लाइन में जल्दी गैस डलवाने को लेकर पुलिस वाले ने वैन चालक की पिटाई की, जो कि वाकई पुलिस प्रशासन पर शर्म की बात है। उस शख्स ने पुलिस के सामने हाथ जोड़े, पुलिस के पैर पकड़े और माफी मांगता रहा, लेकिन वैन के ड्राइवर को माफी नहीं मिली। पुलिस घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। बावजूद इसके पीड़ित की बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं पुलिस। हालांकि पीड़ित ने लिखित शिकायत सीमापुरी थाने में दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बेड पर लेटा हुआ ये शख्स, जिसका नाम साबिर, उम्र 35 साल है, लेकिन इस साबिर पर पुलिस का एक ऐसा कहर टूटा है कि ये सोच कर भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये सब करने वाली है दिल्ली की स्मार्ट पुलिस। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। साबिर सुंदर नगरी में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता है। साबिर की 7 महीने की बच्ची है, जिसको दिल की बीमारी है। पेशे से साबिर अपनी वैन से सब्जी लाने का काम करता है। सुबह 4 बजे करीब साबिर सब्जी लेने के लिए निकला था और वैन में गैस भरवाने के लिए वो पास ही के ताहिरपुर सीएनजी पंप पर पहुंचा और लाइन में लग गया। उसके पीछे दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अपनी i10 कार को लेकर लाइन में खड़े हुए। जैसे ही लाइन आगे बढ़ती, वैसे ही साबिर ने अपनी वैन को सीएनजी पंप पर लगा दिया। जो बात पीछे आ रहे दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को हजम नहीं हुई और उन्होंने साबिर की वैन को पीछे हटवा दिया और साबिर और अपनी i10 कार को गैस भरवाने के लिए खड़ी कर साबिर की वैन के पास आए और अचानक ही साबिर को उसकी वैन से निकाल कर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि सब इंस्पेक्टर की पूरी दबंगाई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। फुटेज के मुताबिक 4:10 पर ये पुलिस वाला साबिर को पीटना शुरू करता है और 4:41 तकरीबन 30 मिनट तक सीएनजी पंप पर पुलिस वाला गुंडा साबिर को लात घूंसों से पीटता ही रहता है और उसके बाद वो साबिर की वैन की आरसी और लाइसेंस ले लेता है। पुलिस वाला आरसी को वहीं तोड़कर फेंक देता है और लाइसेंस को अपने पास रख लेता है। हमने आरसी दे दी, लो सर, उन्होंने आरसी ली, आरसी को तोड़ दिया कि लाइसेंस मांगा, लाइसेंस तोड़ दिया, उसने मारना शुरू कर दिया। मैंने सबके सामने हाथ पैर जोड़ते रहे, सर मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। उन्होंने नहीं सुनी, लिटा गए, मारा बिठा गए। और एक एक सरदार जी थे बेचारे, वो सीएनजी पंप पे कम से कम 40 मिनट तक मारते रहे, ऊँसों से मारा, लाते मारे। और फिर अपनी गाड़ी में से उन्होंने डंडा निकाला सी, मैंने हाथ पैर उनकी गाड़ी के आगे लेट गया। सर जी मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, मैं गैस डलवाने गया था। ये पूरी घटना सीएनजी पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होती रहती है। साबिर अपनी गाड़ी के कागज मांगने के लिए लगातार पुलिस वाले के हाथ पैर जोड़ता रहता है और माफी भी मांगता है, लेकिन इतने पर भी वर्दी के नशे में धुत इस वर्दी वाले का दिल नहीं पिघलता। उसके बाद वो पुलिस अपनी गाड़ी से डंडा लेकर आता है और एक मुजरिम की भांति जमकर साबिर की पिटाई करता है। ये देखिए इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रही पुलिस की काली करतूतें।
वहीं दूसरी ओर ये सब देख रहे लोगों में कुछ लोग जब साबिर को बचाने के लिए आगे आए तो वर्दी के इस दबंग ने उनको भी धमकाना शुरू कर दिया और खुद की जैकेट उतार कर बोला, मैं सब इंस्पेक्टर भीमसेन हूँ। लेकिन इस पुलिस वाले की इस बर्बरता पर लगातार तीसरी आंख की नजर बनी हुई थी और इसके बाद भी ये पुलिस वाला साबिर को मारता रहा। और अंत में साबिर ने खुद की जान बचाकर वैन को छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। सर हमारी कोई मदद नहीं कर रहा और ईद के ही दिन होगा, 4-5 दिन से ज्यादा होगा और आज भी गए थे उनके पास तो उन्होंने लाइसेंस कागज सब तोड़ दिए थे वहीं के वहीं। उन्होंने बात भी करी जो हमारे मोबाइल को फेंकते तो सरदार को भी टाट लिया था, अपनी जैकेट उतार के बताया था मैं भीमसेन नाम है मेरा, साथ बहुत है वो बहुत मारा है मेरे को। थाने आ रहे तो वो बोल रहे ये किसी उसमें परेशान कर रहे। रहम करो साहब, रहम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, मेरी एक बेटी है जो दिल की मरीज है। साहब मुझ पर रहम करो, मुझे माफ कर दो साहब। ये गुहार थी साबिर की। लेकिन बहरी गुंगी पुलिस के वर्दी पहने हुए इस पुलिस वाले पर जरा भी असर नहीं हुआ। दरअसल इस पुलिस वाले का पूरा नाम भीमसेन कौशिक है जो कि सोनिया विहार थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। पुलिस की पिटाई से साबिर इस तरह घबरा चुका था कि उसने शिकायत तक करना उचित नहीं समझा। लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से साबिर को हौसला मिला और सीमापुरी थाने में एक लिखित शिकायत दी गई। लेकिन घटना को 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की है। ऐसे में आंखों में आंसू लिए ये परिवार अपने लिए रहम की और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये तो सेन जी भरवाने गए थे, यही गलती थी इनकी। सर जी से कितनी माफी मांगी, माफ तलाखी करी इन्होंने कि सर जी माफ कर दो, हमारी छोटी बच्ची है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने की कोई गलती नहीं थी, यही थी बस कि सेन जी भरवाने गए थे, इन्होंने उनकी वो फाड़ दी, RC सब लाइसेंस सब फाड़ दिए जी। बहुत बुरी तरीके से मारा, इन्होंने बहुत माफ़ी मांगी सर जी से कि हमें माफ़ कर दो, हमारे छोटे बच्चे हैं। बहुत माफ़ी तलाखी गए लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं करा और ये अपनी जान बचा के भागे हैं। जो चेहरा है वो सामने निकल कर आया, जो ये कहती है कि वो सदैव नागरिकों के साथ है, दिल्ली पुलिस सदैव नागरिकों के साथ, तो ये चेहरा सामने निकल कर आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा आला अफसरों से कि वो ऐसे जो मानसिकता का जो व्यक्ति है, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो कहीं भी हो, उसकी पूरी जाँच पड़ताल कर उसे सजा दी जाए। उसे दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ का नारा देने वाली पुलिस की इस बर्बरता को देखकर शायद ही ये नारा दिल्ली के लोगों के लिए बेईमानी सा लगता है। इस घटना के बाद इस DCP से हमने इस पूरे मामले पर मिलने की कोशिश की लेकिन इलाके के DCP अपने कामों में इतने मशगूल हैं कि उनके पास ना ये जानने का समय है कि उनकी पुलिस क्या कर रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ही इस परिवार की उम्मीदें बंधी हुई हैं। देखना ये होगा कि आखिर साबिर की बात पर सुनवाई होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया।